तेरे को कुछ कहता है क्या वो? तो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम 2:30 बज चुके हैं और अभी हम लंच वगैरह करके तैयार होके रेडी हैं साधु शहर जाने के लिए। तो बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं साधु शहर के लिए। तो गाइस फिलहाल निकल रहे हैं साधु शहर के लिए, बैग वगैरह हमने पैक करके सारे रख लिए थे टाइम से, तो अभी निकलते हैं साधु शहर के लिए। तो गाइस अभी रास्ते में आइसक्रीम खाने के लिए रुके हैं क्योंकि मीनू का जी घबरा रहा था। अभी ये भैया से ले रहे हैं आइसक्रीम। तूने क्या लेना है? बोतल। इसको पीना है फलूदा, हम खाएंगे आइसक्रीम। तो गाइस अभी रास्ते में रुके थे आइसक्रीम खाने के लिए, ये अपना फलूदा पी रहा है और मैं मीनू खा रहे हैं पंजाबी कुल्फी। तो अभी खा लें फिर चलते हैं साधु शहर। तो गाइस घर में तीनों मासी आई हुई हैं, गुड्डी मासी, सोमी मासी और सुनीता मासी। माणी मासी नहीं आया अभी तक, मम्मी परली साइड में लेटी हुई हैं। एक और मासी नहीं आई है, सवेरे आएगी। तो हम बस अभी पहुंचे हैं, अब चाय वगैरह पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस देखो आते ही साइकिल, ये अपनी साइकिल को ही मिस करे जा रहा था वहां पे, चेन तो उसकी उतरी पड़ी है। तो बिना चेन की तूने आके साइकिल उठा लिया है? तो उधर से सीधा निकलती है तो चलती। तो गाइस इसकी साइकिल की चेन उतरी हुई है, फिर भी इसको आते ही साइकिल चाहिए थी। कई दिन से मिस कर रहा था साइकिल को क्योंकि वहाँ अंदर अंदर रहा ना, बाहर नहीं खेला, तो यहाँ ये खुला खेलता रहता है। तो एक बार इसकी साइकिल की चेन चढ़ा दूँ और फिर चाय पी के फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। ओए तूने आके उसका नहीं पूछा मामू का? तो गाइस अभिनव स्कूल गया और इसको ध्यान ही नहीं है अभिनव का। अब इसकी साइकिल सही होगी, इसको साइकिल से मतलब है, बस किसी को मिस कर रहा था ये। तो गाइस शाम के 6:30 बज चुके हैं और आ रहा तो तभी से साइकिल पे ही लगा हुआ है, वो कई दिन से उसने साइकिल चलाई नहीं थी ना, इसलिए वो बस जब से आया साइकिल पे लगा हुआ है। कोई थोड़ी सी खराब हो रखी थी वो मैंने सही कर दी, तब बस तब से साइकिल पे ही है। और अभी मैं करता हूँ मंदिर साफ क्योंकि कई दिन से मैंने भी पूजा नहीं करी और मीनू ने भी शायद पीछे से 1-2 बारी करी है पूजा, तो आज मैं स्टार्ट करूँगा कई दिन बाद पूजा। तो पहले मंदिर को अच्छे से साफ कर लूँ फिर थोड़ी देर बाद में पूजा भी करेंगे। तो गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और मंदिर की सफाई मैंने कर ली है। अभी बाहर गली में बैठा हूँ, आ रहा साइकिल चला रहा है क्योंकि कई दिन से इसने साइकिल चलाई नहीं है ना, तो मैंने कहा चल आज इसको अच्छी तरह से खेल ले, ये कई दिन बाद खुल के खेल रहा है ये, तो आज ये थोड़ी देर खेल ले उसके बाद फिर पूजा करेंगे। उतनी देर में मीनू भी आ जाएगी, मीनू गई है यहाँ कहीं कीर्तन पर गई है, उतनी देर में मीनू भी आ जाएगी। ओए कहाँ गया था तू? मैं कब से देखे जा रहा हूँ। अम्मा के साथ ले बोल। तो गाइस शाम के 8 बजने वाले हैं और पूजा मैंने कर ली है, तो तभी मैं इसको बाहर लेके बैठा था आ रहा था, तो उसी टाइम मीनू आ गई थी, तो मीनू इसके लिए बाहर बैठ गई, साइकिल चला रहा था तब, और मैं पूजा करने बैठ गया। मेरे को 1.5 घंटा लग गया पूजा करने में और जैसे मैंने बाहर निकल के देखा तो ये दोनों थे ही नहीं, अभी बस आए हैं जस्ट। मैं इनको ढूंढे जा रहा हूँ, आवाजें लगाए जा रहा हूँ, ये आगे से हूँ तो बोले ये मीनू के साथ कहीं चला गया, अभी तो बस जस्ट आए ही हैं ये, और मैं भी बस पूजा करके फ्री हुआ था तो मैंने देखा कि ये नहीं है। बता दे तेरे साइकिल चलाने में कोई कमी है कि नहीं है? और चलानी है, अभी और चलानी है तेरे को। अभी मम्मा साथ कहाँ गया था तू? अभी ये पैंट उतार ले पहले, बैठना
लगेगा, बाद में उतारूंगा पैंट में। ये अच्छा तरीका तेरा यार, चल फिर चल 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 चल। नहीं मैं यहाँ बाहर बैठ जाऊंगा, कहीं जाऊंगा नहीं मैं, मैं थका हूँ लड़े। ध्यान से ध्यान से, अरे ये अपना गेट नहीं खुल रहा मेन वाला, क्यों? लोग इसका जाम हो गया तो कार अपनी बाहर खड़ी। अब तो गाइज हमारा ये मेन गेट है ना, इसका ये जो सेंटर लॉक है ये जाम हो गया, ये खुल नहीं रहा है। कल मीनूवर ने अच्छे से बंद करा था इसको, खुला था गेट। मोहित आया था ना, मोहित ने अपनी कार अंदर खड़ी करी थी तो तब उसने कार निकाल ली है, तो इन्होंने अच्छे से बंद कराया गेट और अब खुल नहीं रहा है। और हमारी कार वो देखो वो खड़ी हमारी कार। तो अब पंगा ये है कि इस गली में गोदे बहुत घूमते हैं और लड़ाई भी बहुत करते हैं। अगर कार बाहर खड़ी रहेगी और ये गोदे लड़ पड़े तो एक बार पहले भी गोदों ने तोड़ दी थी कार, तो अब टेंशन हो रही है कि क्या करें। अब मिस्त्री को फ़ोन तो कराया, देखो क्या होता है, देखते हैं अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर खड़ी है बाहर। अब किधर जा रहा है? एक मिनट में आया, देखता हूँ क्या लगा, मैं सारा चेक करके आऊँगा। नहीं तो बोलूँ मामू आया तो तू मेरे साथ चिपक के क्यों बैठ गया, मेरे को ये बता हाँ, तेरे को कुछ कहता है क्या वो? मैं जब 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 बोलना होता है तब डरता हूँ। आगे मैं कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा, साइकिल नहीं चलाऊंगा। अब तो गया वो बाइक पे, गया वो नहीं जाता। क्यों नहीं चलाता? ला बोलो, अब इसमें साइकिल का क्या कसूर है हाँ? जब मैंने कह दिया नहीं चलानी मेरे को तो ना चला, मेरा क्या उसमें? वो गए बाजार गए, वो नहीं खाना, नहीं खाना। अभी तो तू कह रहा था मैं बर्गर खाता नहीं हैं? तो मेरे को बात बता, भी बोलू आता है तो तेरे को कुछ कहता है? तेरे साथ हेलो ही करता है? कभी तेरे को उसने मारा? मेरे को डर लगता है। डर क्यों लगता है? कभी मारा तेरे को उसने? मैं साइकिल नहीं चलाता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। ना चलाएगा तो बढ़िया, मेरे को बाहर नहीं बैठना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं कहता बाबू। तो गाइस एक्चुअल में ये ना वो बोलू है लड़का, अभिनव का दोस्त है ये, उससे बहुत डरता है वो। जब भी घर पे आता है ना ये दुबक के मेरे पास बैठ जाता है आगे, तो इसको वही समझा रहा हूँ कि ऐसे उससे मत डरा कर। वो इसको हेलो ही करता आगे, या इसको कोई शॉप पे ले, शॉप से इसके लिए चीज लेके आएगा, फिर भी उससे डरता है। तो अभी फिलहाल तो ये बर्गर खा ले, फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। तो गाइस आर्या ने बर्गर खा लिया है, और अभी अभी मेरे ध्यान में आया कि हम 3-4 दिन वहाँ थे ना गंगानगर, तो हमारा चाय के साथ जो सुबह चाय के साथ हम जो सामान खाते हैं, रस्क हो गए, मटर हो गए, हमारा सारा सामान ख़त्म हुआ पड़ा है। आज शाम की चाय भी मैंने सूखी सूखी पी है, तो सुबह तो हमारा नाश्ता भी वही होता है एक्चुअल में, तो उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो अभी पहले चलते हैं और सारा सामान लेके आते हैं, क्योंकि सुबह की चाय फिर अच्छी नहीं लगेगी। अरे चले चीज दिलाऊंगा शॉप से, झूठ बोलते हो? सच्ची दिलाऊंगा। नहीं झूठ बोल रहे हो। अब मतलब तेरे को चीज नहीं चाहिए? चाहिए। फिर साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो गाइस पहले चलते हैं रस्क और मटर और जो कोई सामान लाने वाला है ना पहले वो लेके आते हैं। इसका छोड़ दे, टी शर्ट सही कर अपनी। चल चल चल, क्या अब क्यों उसके पीछे पड़ गया तू? तो उल्टी पुल्टी चीज के पीछे क्यों पड़ गया? दूध वाला। क्या? ये दूध ही है रबड़ी। ये? हाँ। ले ले। दो। क्रास आ गया दिखो। दो।
आ दे दो रबड़ी दो, दे? दो 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 ले ले किन्ने दे है एक रुपए दी एक और क्या लेना कॉफी टॉप आ दे दो आठ तो गाइस रात के 10 बज चुके हैं और डिनर के टाइम पे ये देखो ये क्या खा रहा है बीयर। एक्चुअल में हमारे घर के सामने वाली बेरी पे लाल लाल बीयर होते हैं तो हर दूसरे दिन इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं फिर हम खाते हैं दबा के। तो पहले एक बार बीयरों का आनंद ले लें फिर डिनर भी कर लेंगे। तो गाइस रात के 10:15 बज चुके हैं और अभी टाइम है हमारे डिनर का। तो डिनर आ चुका है सिंपल दाल और रोटी। तो अभी डिनर करते हैं उसके बाद फिर मैं एडिटिंग पे बैठ जाऊंगा तो व्लॉग तो हो नहीं पाएगा। तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देख के ही मत चले जाया करो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल का आइकॉन भी जरूर प्रेस करो। तो मिलते हैं आपको नए व्लॉग में तब तक के लिए बाय।